हमने फैसला किया कि जो लेबर है उसके लिए हम 200 अरब रुपया हमने अब रखा है। दूसरी चीज जी इंडस्ट्री एक्सपोर्ट और इंडस्ट्री कि हम इनको फौरी तौर पे 100 अरब रुपए के टैक्स रिफंड दे देंगे। स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री के लिए हमने 100 अरब रुपया उसके लिए और एग्रीकल्चर के लिए रखा है। चौथा जो हमारी सबसे खानदान वो जो सबसे मुश्किल हालात में हैं उनके लिए हमने फैसला किया है कि हम 4 महीने के अंदर 150 अरब रुपया हम उनके लिए रख रहे हैं। उसमें 3000 रुपया महीना इनको हम इन फैमिलीज को देंगे। साथ साथ हमने फैसला किया है कि जो पनागाह हैं इनको हम एक्सपेंड करेंगे। यूटिलिटी स्टोर्स के लिए हमने 50 अरब रुपया और दिया है। वीट प्रोक्योरमेंट के लिए हमने 280 अरब रुपया रखा है। फिर हमारा सातवां है कि पेट्रोल और डीजल के ऊपर हमने फैसला किया है कि 15 रुपए क्या हम कट कर रहे हैं। बिजली के जो 300 यूनिट कंज्यूम करने वाले हैं जो कि पाकिस्तान में 75% लोग हैं उनकी हमने फैसला किया है कि वो 3 महीने की किस्तों के अंदर अपना बिल दे सकते हैं। उसी तरह जो 81% गैस वाले जिनकी 2000 रुपया महीना जिनका खर्चा आता है उसको भी हमने 3 महीने के लिए किस्तों पर डाल दिया। जो 50 अरब रुपया हमने रखा है मेडिकल वर्कर्स के लिए, जो इनके लिए इक्विपमेंट हमने लेनी है, इनके लिए मदद करनी है, जो प्रेशर पड़ेगा हॉस्पिटल्स के लिए तो उसके लिए हमने अभी मजीद 50 अरब रुपया रख लिया। हमने जो खाने पीने की चीज़ें हैं, घी है, चीनी है, पल्सेज हैं या दालें मुख्तलिफ किस्म की, इनके ऊपर जो टैक्सेस हैं वो या ख़त्म कर दिए या रिड्यूस कर दिए हैं। तो इस लॉकडाउन के असरात के लिए क्या इमरजेंसीज निकलेंगे उसके लिए हमने 100 अरब रुपया रखा है। 25 अरब रुपया हमने इसके लिए रखा है। इसका सिर्फ मकसद किट्स लेना है, जो भी हमें प्रोक्योर करनी है दुनिया से चीज़ें उसके लिए हमने वो रखा है।